ब्रेक के बाद हाजिर है। अब से कुछ ही देर पहले बजट पेश हुआ है मध्य प्रदेश विधानसभा में। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने यह बजट पेश किया। क्या है इस बजट की बड़ी बातें, आइए आपको विस्तार से अब एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले 1,58,713 करोड़ का यह पूरा बजट है। 2016-2017 का बजट 118 करोड़ ऋणात्मक इसे माना जा रहा है, क्योंकि राजस्व की जो अनुमानित राजस्व है वो भी 1,58,600 करोड़ के आसपास है। स्कॉलरशिप के लिए 1,20,000 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है। नर्सिंग के लिए 3,034 पद स्वीकृत किए गए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 903 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसर खोले जाएंगे। इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,462 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये बजट की बड़ी बातें हैं जो वित्त मंत्री ने अब से कुछ देर पहले बताई हैं, सदन के पटल पर रखी हैं। क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं, क्या महंगी हुई हैं, आपके लिए यह भी जानना जरूरी है, जरा जान लीजिए। सोया मिल्क सस्ता हो गया है। इसके अलावा डायलिसिस मशीन सस्ती हो गई है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड सस्ते हो गए हैं, ऑर्गेनिक जो कीटनाशक है वो सस्ते हो गए हैं। कृषि यंत्र सस्ते हुए हैं, तकरीबन 38 ऐसे कृषि यंत्र हैं। और इसके अलावा बैटरी चलित कार, बैटरी चलित रिक्शा, ये भी सस्ते हुए हैं। महंगा क्या हुआ है? गैस गीजर महंगा हुआ है, ग्लास मिरर महंगे हुए हैं। 10,000 से ज्यादा की अगर आप साइकिल खरीदेंगे तो वो भी आपको अब महंगी पड़ेगी। जमीन खरीदना महंगा हो गया है, स्टाम्प शुल्क बढ़ाया गया है। 1200 किलो से ज्यादा के भारी मालवाहक यान महंगे हुए हैं। तो बजट भोपाली यानी कि मध्य प्रदेश का जो बजट है वो विधानसभा में पेश किया है वित्त मंत्री जयंत मलैया ने। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, बड़ी बातें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन इसके बाद किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं पहले आपको वो सुनवा देते हैं। दीपक जोशी केंद्रीय माफ कीजिएगा राज्य के शिक्षा मंत्री, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए शिक्षा जैसे विषय में हमेशा मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदन रहे हैं, और इस बार भी खास करके उच्चतर शिक्षा को फोकस करते हुए जो रूसा के माध्यम से और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से एक बहुत बड़ा बजट हमारे पास आ रहा, उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग सरकार चाहती है उसमें हम नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पहले भी कैबिनेट भी स्पेशल कैबिनेट हुई है, अभी तक मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट होती थी और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला। इस बजट पेश हुआ क्या कहें, बजट काफी अच्छा है। इंडस्ट्री इंडस्ट्री रिएक्शन ऑन योर इंडस्ट्री एक तो सोया, एक मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मुझे लेट हूँ। एक तो कई चीज़ें आई थी इसमें जो हमारे लिए पहले दफ़े इतना सारा पैसा हमें मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा अगर नहीं ले सकते हैं तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जैसे प्रदेशों के साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी समीक्षा बैठक में हमें कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं इस बार आपको ज़रूर पैसा दूंगा, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज हमें 2,600 करोड़ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिल रहा है। पहले दफ़े हमें इतना सारा पैसा मिल रहा है जो मिलना चाहिए था, तो इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। और सोयाबीन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा आज जो टैक्स रिबेट मिला है वो बहुत बढ़िया है। पर्यटन वर्ष 2015 मना रहे हैं और लगभग 251 करोड़ का बजट अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है। मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले ताकि मध्य प्रदेश में पर्यटन के माध्यम से रोजगार बढ़े, और एक प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वैसे भी देखा जाए तो अभी पूरे देश और विश्व के आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। तो ये आप रिएक्शन सुन रहे थे। अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं, और जिस तरीके की उन्होंने उम्मीद की थी उन्होंने कहा है कि वो मिला है और अब आगे ये उम्मीद है कि ये जो पैसा मिला है इसको सकारात्मक दिशा में खर्च करते हुए अपने अपने विभाग में वो कुछ और अच्छा करेंगे।
बजट में और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, क्या बड़ी बातें हैं जो वित्त मंत्री ने शामिल की हैं, जरा ये जान लीजिए। 96 ITI स्थापित होंगे, उच्च शिक्षा के लिए भी 616 करोड़ का प्रावधान किया गया है, माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 495 करोड़ रुपए दिए गए हैं, धार में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के लिए 13 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है, ग्वालियर जबलपुर इंदौर शहडोल में यूनिवर्सिटी और कॉलेज को 143 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री ने दिया है। बेटियों को क्या दिया, जरा ये भी जान लीजिए। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 903 करोड़, 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसर खोले जाएंगे, इसके अतिरिक्त 40 कन्या परिसर भी खोले जाएंगे, ये शिक्षा के क्षेत्र में है। मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना के लिए 25 करोड़ रुपए दिए हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना के लिए 16,200 करोड़ रुपए दिए हैं, पिछड़ा वर्ग के छात्रावास भवनों के लिए 19 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण बजट के लिए 45 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के लिए 271 करोड़ रुपए, पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए 841 करोड़ रुपए दिए गए हैं, अमृत योजना के लिए 2016-17 में 1712 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 5000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो बनाई जाएंगी। किसानों को क्या मिला, कृषि के लिए 2448 करोड़ का बजट है, कृषि यंत्र तकरीबन 38 ऐसे यंत्र हैं जो कर मुक्त हो गए हैं, राष्ट्रीय कृषि मंडी से राज्य की 50 मंडियां ऑनलाइन जुड़ेंगी, कंप्यूटर से इन्हें जोड़ा जाएगा, ऑर्गेनिक कीटनाशक जो है वो भी सस्ते हो गए हैं, फसल हानि के विरुद्ध 4300 करोड़ से अधिक जो मुआवजा है वो बांटने की बात कही गई है। ये बड़ी बातें कृषि के संदर्भ में और किसानों से जुड़ी हुई जो इस बजट में शामिल है। इसके अलावा 1,58,000 करोड़ का यह पूरा बजट है, 2016-2017 का अगर राजस्व इससे कंपेयर करें तो 118 करोड़ ऋणात्मक यानी कि घाटे में सरकार खुद मान रही है। और हम सीधे रुक कर रहे हैं भोपाल, मेरे सहयोगी आशुतोष लगातार बजट पर कवरेज दे रहे हैं। आशुतोष आपके पास आ रहे हैं और शायद कुछ मंत्री भी आपके साथ हैं, जरा रिएक्शंस पहुंचाइए। बिल्कुल राम, इस समय हम मध्य प्रदेश विधानसभा में मौजूद हैं और मेरे हाथ में आप बजट की वो कॉपी भी देख सकते हैं जो कि अभी कुछ देर पहले ही जयंत मलैया जो कि वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश की है। सबसे पहले हम सत्ता पक्ष का रिएक्शन जानेंगे, हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं। उमाशंकर जी, इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता की इच्छा के अनुरूप एक बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जिस तेज़ी से मध्य प्रदेश के विकास का पहिया घूम रहा है उसकी और गति बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस प्रकार की ज़रूरत है उसकी सारी व्यवस्था की गई है। सड़क बिजली पानी के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, महिला कल्याण के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है, गरीबों को राहत देने के लिए अनेक योजनाएँ इसमें घोषित की गई हैं, अनेक ऐसी वस्तुओं पर से कर समाप्त किया गया है जो आम उपयोग की चीज़ें हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता को इससे राहत मिलेगी और मध्य प्रदेश तेजी से जो विकास की ओर बढ़ रहा है उस दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। विपक्ष कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन है, सीधे बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन जी से। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बजट जो है प्रदेश की जनता के हित में नहीं है और निराशाजनक बजट है और दिशाहीन बजट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 1,25,000 करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश शासन के ऊपर और जो जिस तरह से अभी जो बुकलेट बजट की जो सजाई गई है वो आंकड़ों के हिसाब से और योजनाओं के नाम के हिसाब से बहुत अच्छी है। मैं आपको पिछले बजट का बताना चाहता हूं कि 53 सिंचाई योजनाएं ऐसी है जो 7,200 करोड़ के आज भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस बार के जो बजट में मध्य प्रदेश की जनता को सूखे बेर और सूखे बेर के चूर्ण के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी निराशाजनक बजट है। कमलेश्वर पटेल कांग्रेस विधायक, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बजट में एक ही सिर्फ नई चीज़ है, नई बात ये है कि जो
मध्य प्रदेश सरकार का जो लोन का स्तर था, दर था, वो 0.5% और बढ़ गया है। पहले 3% था, अब 0.5% और बढ़ा के केंद्र सरकार को अनुमति के लिए भेजा है। बाकी पुराना राग है, पुरानी चीज़ें हैं, नया कुछ भी नहीं है और विंध्य रीजन की काफ़ी उपेक्षा की गई है। पुराना राग है, पुरानी चीज़ें। इससे पहले मैं उमाशंकर गुप्ता जी से रिएक्शन लूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। रमेश शर्मा जी, एक न्यूट्रल कमेंट आपका क्या? मैं इस बजट को मिला जुला देख रहा हूँ, क्योंकि जिस परिस्थिति में मध्य प्रदेश पर आर्थिक थोड़ा सा बोझ है, किसानों की सहायता सरकार ने की है, सड़कों पर जो पैसा जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो सीमित बजट पर कर्ज पर, मैं समझता हूँ ये संतोषजनक बजट है। और उसके बीच में जो उन्होंने काम किए हैं, ख़ास तौर से कमज़ोर वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ इसको संतोषजनक ही माना जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का अगर उपाय होता तो बजट और अच्छा भी कह सकते थे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का उपाय नहीं है, और कांग्रेस का आरोप है कि सूखे बेर सस्ते किए गए। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना चेहरा देखना पड़ेगा। 2003-04 में जहां मध्य प्रदेश पर कर्जा जीडीपी का 36% था, वो इस समय 18% है, आधा है। उस समय मध्य प्रदेश की सरकार को दिवालिया कर दिया था कांग्रेस ने, कोई कर्जा देने तक को तैयार नहीं था। बजट का आकार 3 गुना हो गया है तब से, और अमाउंट में अगर कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज आप देखेंगे, फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए तरीका जो होता है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी ठीक है कि नहीं, कर्जा लेने की लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा है, इंटरेस्ट चुकाने की लिमिट से बाहर तो इंटरेस्ट नहीं जा रहा है, इन सारी सीमाओं में आप देखेंगे तो हम कर्जा लेने की जो हमारी लिमिट है उससे बहुत पीछे हैं, ब्याज अधिकतम चुकाने की जो लिमिट है उससे बहुत पीछे हैं, और एक दिन ओवरड्राफ्ट नहीं है, एक दिन पेमेंट ओवर ड्यू नहीं हुआ है। जबकि कांग्रेस के ज़माने में, जब आदरणीय बाला बच्चन जी जिस सरकार में मंत्री थे, 365 में 200 दिन ओवरड्राफ्ट रहता था, तनख्वाह नहीं बट पाती थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कर्जा देना मध्य प्रदेश को बंद कर दिया था। आजकल हमारे सामने लाइन लगा कर खड़े रहते हैं कि हम कम ब्याज पर देने को तैयार हैं। सरकार ब्याज है, वो सही कर रही है। यहाँ पे तो उमाशंकर गुप्ता जी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार का बजट 2 दिन बाद में आने वाला था, सरकार 2 दिन भी नहीं रुक पाई और 1200 करोड़ रुपए फिर बाजार से कर्ज उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो सरकारें जनवरी और मार्च के माह में कर्ज लेती थी, अब ये सरकार तो मई से लेकर फरवरी तक हर एक माह में बाजार से कर्ज उठाती है, और कर्ज लेते लेते 1,25,000 करोड़ रुपए कर्ज हो गए। जहां तक अगर ये प्रदेश की जनता के लिए खर्च किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो इतना 1,25,000 करोड़ रुपए जो कर्ज लिया ना, ये विकास कार्यों में ही नहीं लगा है, बहुत सारी राशि इसमें से भ्रष्टाचार का भी शिकार हो गई है। और मैंने भी आपको बताया कि 1200 करोड़ रुपए कर्ज के लिए 2 दिन नहीं सरकार रुक सकती है, 1,25,000 करोड़ कर्ज होगा। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय मात्र 23,000 करोड़ कर्ज था मध्य प्रदेश के ऊपर। बड़ा मुद्दा ऐसा लगातार जो कर्ज लिया जा रहा है कांग्रेस आपको देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल लोग, ये बिना कर्ज के चल नहीं सकते। अगर कोई विकास के काम करना है, जरा कांग्रेस की हालत तो देखिए, 2003 में सड़कों की क्या हालत थी, बिजली की क्या हालत थी, पानी की क्या हालत थी। आज 4 बार से कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर था उसको बढ़ाकर 36 लाख हेक्टेयर पे ले गए। इसमें पैसा नहीं लगेगा? ये आखिर पैसा ले रहे हैं तो विकास हो रहे हैं, कांग्रेस में तो विकास कहीं दिखता ही नहीं था। नया कोई टैक्स जनता पर नहीं लगाया है, जो पुराने टैक्स हैं उसी पर विकास के काम कर रहे हैं, गरीबों के कल्याण के काम कर रहे हैं, और कर्जा ले रहे हैं तो पटा भी रहे हैं। बजट का आधार बड़ा, मेरा कहना है कि अगर इसको कोई इकोनॉमिस्ट पूछेंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछेंगे, तो वो इस बजट की तारीफ करेंगे। ये नहीं होता है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। हम कर्जा लेकर जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं और उस कर्जे का भुगतान कर रहे हैं। कोई ओवरड्यू नहीं, ओवरड्राफ्ट नहीं है। मैं पूछता हूं कांग्रेस के साथियों से कि जरा बताएं, उनके समय किस्तें, जितने भी कर्जा लिया था उन्होंने, तभी किस्तें पटती थी, इसलिए नहीं पटती थी कि आपने डेवलपमेंट किया ही नहीं, आपने रेवेन्यू को बढ़ाया ही नहीं, वो सारा पैसा भ्रष्टाचार में गया। 23-23 मंत्री लोकायुक्त में घिसटते रहे और वो सारा पैसा उस जाने के कारण जनता के लिए लगा नहीं, और उसी का परिणाम है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बनाई है। नहीं, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पिछले 10 साल यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को खूब राशि दी है,
हमारी जनता हमारे दर्शक ही समझना चाहते हैं, सरकार कह रही कर्जा लिया तो हम जनता पे तो खर्च कर रहे हैं, लगातार जो कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है कि कर्जा सरकार ले रही है, इससे जनता को कहां पे नुकसान हो रहा है सीधे तौर पर? नहीं, मैंने अभी आपको बताया ना, जो कर्जा जो लिया है, एक तो इतना कर्जा हो गया, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि कर्ज की बहुत सारी राशि भ्रष्टाचार का शिकार हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे जिस जिले से बड़वानी से आता हूँ, पिछले 5 से 7 साल के 18,000 काम इनकम्प्लीट है। अब BRGFY बंद हो गई है, मॉडल स्कूल में फंड आना बंद हो गया, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो फंड आता था केंद्र सरकार से वो बंद हो गया है। नरोत्तम मिश्रा जी, स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, स्वास्थ्य को लेकर जो बजट में प्रावधान किया गया है नरोत्तम जी, उस पर आप क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक बजट था, इसमें किसी विभाग को छोड़ा नहीं गया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में 1,58,000 करोड़ से अधिक का बजट पहली बार रखा गया। इसमें शिक्षा को भी पूरा प्रावधान किया गया है, स्वास्थ्य का भी, कृषि का भी, सिंचाई का भी, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। सभी को समेट करके इस प्रदेश की गाड़ी को आगे खींचने की माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ऐतिहासिक कोशिश है। वो साधुवाद के पात्र हैं और हमारे वित्त मंत्री भी साधुवाद के पात्र। वित्त मंत्री साधुवाद के पात्र कमलेश्वर जी, यहाँ तो बड़े बजट को एकदम 100 में से 100 नंबर दिए जा रहे हैं। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है विषयवार, महाविद्यालयों में विषयवार प्राध्यापक नहीं है। आप नई नई चीज़ें खोलने की बात कर रहे हैं, जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो तो जिस तरह से संचालित होनी चाहिए ये सरकार संचालित कर नहीं पा रही है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं है। एक्चुअल में दरअसल है क्या कि मेरे कांग्रेस के मित्र अध्ययन करने से कतराने लगे हैं कुछ, जब से मैयर आया है तब से निराशा हो गए हैं थोड़े से, इसलिए निराशावादी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि ये देखें कि हमने पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक मास्टरों की नियुक्ति की है और सर्वाधिक डॉक्टरों की है, लेकिन निश्चित रूप से डॉक्टरों की कमी तो है। डॉक्टरों की कमी तो है, कम से कम एक पॉइंट तो आपको मान ही लिया कमलेश्वर जी। शिक्षकों की भी कमी है, विषयवार शिक्षक नहीं है स्कूलों में, महाविद्यालयों में प्रभारी प्राचार्यों के माध्यम से महाविद्यालय चल रहे हैं, विषयवार प्राध्यापक नहीं है। देखिए, अगर हम विसंगतियां गिनाने जाएंगे तो बहुत सारी जगह ये सरकार फेल है। तहसीलदार नहीं है, डिप्टी कलेक्टर्स नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, RI नहीं है। आपके पास जो मूलभूत पुरानी सुविधाएँ हैं, पुरानी जो व्यवस्था है, पहले सरकार को पुरानी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सिर्फ बातें करने से या नया बजट सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए जो जिस तरह से लोन लेके कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये सरकार सिर्फ लोन लेके और आम जनता के ऊपर टैक्स लगाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा 3 दिन पहले ही कैबिनेट करके और डीजल और पेट्रोल में परमानेंट यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने फिक्स कर दिया है। बहुत सारे रेट 18 रुपये पेट्रोल पे और 13 रुपये डीजल पे फिक्स कर दिया है। वो टैक्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहाँ एक तरफ रेट कम हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने जब पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थ का बड़ा मुद्दा है। मुकेश चतुर्वेदी जी, BJP विधायक, आपकी सरकार इस पर कुछ करती क्यों नहीं है? बढ़ाई जा रही है, VAT टैक्स भी बढ़ता है, एंट्री टैक्स भी बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, बढ़ाना नहीं है, उसको स्थायी कर दिया है, जिससे आगे बढ़े भी तो उस पर फर्क नहीं पड़े। और उसमें आमदनी का जरिया तो ढूंढना पड़ेगा, सरकार को अपने रिसोर्सेज से देखना ही पड़ेगा, और पेट्रोलियम एक बहुत बड़ा रिसोर्स है आमदनी के लिए। पहले केंद्र सरकार को कहा जाता था, विश्वास सरंग जी BJP विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले कहा जाता है कि केंद्र में सरकार UPA की है, लिहाजा जो है तमाम जो दबाव है वो राज्य पर आ रहा है। अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो पेट्रोलियम पदार्थों से राहत क्यों नहीं मिलती है हमारी जनता को? देखिए, मुझे लगता है कि इसकी दिशा हम गलत पकड़ रहे हैं। VAT का निर्धारण सीधा सीधा विकास के हमारा जो संकल्प है उसके निर्धारण से जुड़कर हमें देखना चाहिए। यदि हमें विकास करना है, जनता का कल्याण करना है, तो हमें पैसा चाहिए, और पैसा हमें केवल और केवल करों से मिलता है। जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ के जो वेरिएशन होता था उसमें सीधा सीधा उसका कुप्रभाव विकास पर पड़ता था।